ये है दोस्तों रामकोला का मंदिर, जिसे अनसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अनसुईया आश्रम धाम का सीन दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों रामकोला शहर। ये गेट दिख रहा है, ये गेट अनसुईया आश्रम यानी रामकोला का मंदिर का गेट है। तो हम इस गेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर आगे चलने पे मंदिर का दर्शन होगा। और ये है दोस्तों अनसुईया आश्रम रामकोला का मंदिर, जो काफ़ी खूबसूरत है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, ऊपर कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ वाला सीन को बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वीडियो काफी बड़ी है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोगों को इस मंदिर की सारी जगह हम दिखा सकें। आपको इस साइड से अंदर जाना है और चारों तरफ प्रसाद, मिठाई, चुनरी, हर एक चीज की दुकानें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जूता चप्पल निकाल सकते हैं। तो मैं अपना जूता यहाँ पर निकाल रहा हूँ। और इस नल से पानी पी सकते हैं। तो मुझे प्यास लगी थी, तो मैं इस नल से पानी पीने जा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस रास्ते से अंदर जाएंगे, यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है, जहाँ से आपको एक टिकट लेनी होती है। टिकट 10 रुपए की आती है, एक
व्यक्ति का टिकट 10 रुपया है, बिना टिकट के आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो अब दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं और अब अंदर का सीन आप देखिए। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे और ये 6 महले का मंदिर है। हम नीचे से ऊपर तक का पूरा सीन आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग घर बैठे ही इस मंदिर का दर्शन कर पाएं। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस मंदिर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको बजरंग बली का दर्शन होता है, यहीं से शुरुआत होती है मंदिर जाने का रास्ता। तो बजरंग बली के दर्शन करने के बाद अब आप सबसे नीचे वाले महले में प्रवेश करेंगे। तो ये सबसे नीचे वाला महला है जो काफी ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ से दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है। जैसे आप चढ़ेंगे यहाँ पे नीचे विश्वकर्मा भगवान का एक मूर्ति बनी हुई है। इसके बाद इस सीढ़ी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे।